वेलकम बैक टू स्टॉक्स पावर यूट्यूब चैनल। तो आज आप वेदांता लिमिटेड स्टॉक के बारे में बात करने वाले और लेटेस्ट अपडेट यहाँ पे देखने वाले। तो वेदांता लिमिटेड स्टॉक की बात की जाए तो पिछले 2-3 दिनों में गिरावट देखने को मिली थी वेदांता स्टॉक में, और तकरीबन आज फिर से एक अच्छी रिकवरी की है। तकरीबन वेदांता स्टॉक ने हल्का सा रिकवर होता हुआ नजर आ चुका है, यानी कि आज 409.70 पे ट्रेडिंग कर रहा है, 7.60 पैसे की रैली कर चुका है, अभी तक 1.89% ऑफ है, यानी कि तकरीबन आज देख सकते हो कि गैप अप से ऊपर ओपन हुआ था। ओपन होने के बाद गिरावट भी हो चुकी थी, पर जो प्रीवियस क्लोजिंग था वहाँ पे सपोर्ट लेके फिर से बाउंस बैक किया है वेदांता लिमिटेड स्टॉक ने, और करंटली ऊपर 410 लेवल जो है रिसेंटली ट्रेडिंग करा है और रेजिस्टेंस एक्ट होते हुए नजर आ रहे हैं। यानी कि आज ओपन हुआ था 405.90 पे, हाई बनाया था 411.75 का और लो है आज का 402.10 का। मार्केट कैप भी देखा जाए तो 1.52 लाख करोड़ का मार्केट कैप है, फिर फी रेशियो 7.90 का है और डिविडेंड यील्ड 11% का। तो पिछले 5 दिनों की भी बात देखी जाए तो पिछले 5 दिनों में करीबन 3.77% की गिरावट देखने को मिली थी वेदांता लिमिटेड में, और 1 मंथ में तकरीबन 1% की गिरावट देखने को मिली थी। तो चार्ट एनालिसिस पे भी नजर डाले तो यहाँ पे आप देख रहे कंटली कल यहाँ पे पिछले 2 दिनों में गिरावट देखने को मिली थी, पर फिर से आज अच्छा रिकवरी दिखाई है वेदांता लिमिटेड स्टॉक ने, तकरीबन 410 के ऊपर क्लोजिंग देता है। तो अगला रजिस्टर यहाँ पे 415-18 लेवल तक लगने के चांसेस है, क्योंकि यहाँ पे जो ब्लैक कलर की लाइन है वो 20 मूविंग एवरेज डेली चार्ट फ्रेम है, वो भी यहाँ पे वो नीचे आते वक्त सपोर्ट एक्ट कर रही थी, वही ऊपर जाएगा तो रजिस्टर एक्ट हो जाएगी वेदांता लिमिटेड स्टॉक के लिए। तो ये थे लेटेस्ट अपडेट यहाँ पे वेदांता लिमिटेड स्टॉक के लिए।